है ना, ये देख है ना, खुश रहो दीदी, आपका इच्छा पूरा हो है, फोटो खींच रहे दीदी, आप उधर देखो। अरे सॉरी, रहे मेरे गुरुजी। हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में जिसका नाम है वन एंड ओनली जेसिका। सो मेरे दिन की शुरुआत आज हो गई है सुबह सुबह, बहुत ही अर्ली मॉर्निंग, लाइक 4 बजे से पहले उठ गई। एक्चुअली मैं उठ 3 बजे की गई हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ काम कर रही थी तो सोचा आपको हेलो हाय कर दिया जाए सुबह सुबह। इतनी सुबह उठने का कारण क्या है, नहीं मैं नहीं बताऊंगी, आपको देखना पड़ेगा। सो देखते रहिए, अब देखिए मैं कहाँ जाने वाली हूँ और आज के दिन हम लोग क्या क्या मज़े करने वाले हैं। तो बेटर है आप भी मेरे साथ मज़े करें। ये देखिए, आप भी उठ रही सुबह सुबह, ये देखो, ये मेरा पठूरा शो रहा है, उठो उठो ना बेबी, उठो उठ जाओ। सो गाइस देखिए अब कहाँ चली मैं। शौक निवारो को नहीं जानते हैं जग में को, संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। तो देखिए मैंने सूट पहना है। सो गाइस आज मैंने पहना है सूट, हाँ बहुत टाइम बाद या बहुत कह लीजिए सालों बाद पहना है। तो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिए कि ये सूट मुझ पर कैसा लग रहा है, जो कि मैंने अभी आपको मेरे पिछले ब्लॉग में भी दिखाया था कि मैं सूट पहनने वाली हूँ, तो आज मैंने पहन लिया। बताइएगा ज़रूर। और चलिए बस अब निकलने ही वाले हैं हम। तो मैं थोड़ा सा भगवान भज लूँ। फाइनली हम लोग आ चुके हैं, हम आए हैं मंदिर। तो माता जी की थाली बनवा लूँ, मैं तो लाई हूँ घर से, तो फिर भी बना ली जाए। बस अब मैंने ले लिया सब कुछ, चलें अभी नहीं करो। तो मैं घर से भी थाली लाई थी, यहीं से आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत मैं आपको दिखाऊंगी। सो हम लोग आए हैं यहाँ पे जहाँ पे कैट बैठे, देखिए कितनी क्यूट है। और ये मंदिर का बैक साइड हमने बहुत अच्छे से पूजा की, बहुत ही आनंद पूर्वक
थी, मतलब हम लोगों ने प्रॉपर आरती ली, बहुत मज़ा आया, वॉज रियली गुड एक्सपीरियंस। तो अभी हम नीचे की तरफ आए हैं, यहाँ पे है छोटा मंदिर। सो लीजिए, ये मंदिर का बैक साइड है जहाँ पे अभी मैं आ गई हूँ। देखिए यहाँ पे पूरा काम चालू है। चलिए, भारत तरक्की पे है तो अच्छी बात है। ये देखिए छुप के क्या कर रहे हैं। अरे बाप रे, सीमेंट ले रहे हो भैया? फ्री में मिले तो सीमेंट भी चलेगा तुमको, है? चलो, क्या मिला? पुष्प, पंडित जी ने स्पेशल उठ के दिया। ये भाई साहब कैसे हो? आप ही थे। सो ये है बहुत मान्यता वाला एरिया जहाँ पे लोग सिक्का चिपकाते हैं। मैं भी ट्राई करती हूँ। लग नहीं रहा चिपकेगा। हाँ चल रहे हैं। सो फाइनली हम लोग बाहर जा रहे हैं। फाइनली बाहर आ चुके हैं और ये है छोटा मंदिर हनुमान जी का वापस। ये है राम जी का मंदिर। सो लीजिए, धागा बंधवाया जा रहा है। बच्चे कहाँ गए? वो निकल गए। पहले इसके पास दो। फाइनली आशीर्वाद भी मिल गया। आज हमने एकदम तसल्ली से दर्शन किए सारे। सुबह कभी भी आएंगे आरती के बाद, आपके दर्शन तसल्ली से ही मिलेगा। हम 3-3.5 बजे उठ जाते हैं। ले आओ, रह जाएगा नहीं। पंडित जी आपका नाम? हाँ, जल्दी बालाजी। बालाजी नाम भी बहुत प्यारा है। चल बेटा। अरे जय जय बंधाओ जल्दी। चलिए अरे जय 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 भगवान ने भेजा ना, देख लो भीड़ रहती है। हाँ अच्छा, कभी भी कुछ ऐसा रहता ना, ओकेजन रहता तो सुबह जल्दी आइए हो जाता है। कोई कष्ट हो तो शनिवार को सिंदूर उनके हाथ से बजरंग बली का भी मंदिर हो तो हर शनिवार सिंदूर और चमेली फिर हमेशा दान करें। 2 बजे चले जाओ, आप सो रहे हैं आपके हम शयन कक्ष में 2 बजे चले गए, कितना बड़ा आपको कष्ट। हाँ, उसके लिए 4 बजे। हाँ, 4 ठीक है। स्नान करना चाहिए, मेरे को साक्षात दिखे राट रूप आके सपने में दिखे हैं। नहीं अरे डेली है मेरा तो। इन्होंने इनको इंस्ट्रक्शन दी सपने में कि हमारा जो मेन गेट है ना वो भगवा होना चाहिए। 16-17 फुट का गेट है हमारा, तो उन्होंने बोला पूरा भगवा करवा दो। अभी कलर भी ले आए हैं, सुंदर है। तो देखिए साक्षात राम जी के दर्शन भी आज हो गए। राम सीता सहित लक्ष्मण, बहुत ही अद्भुत नजारा है। तो ये रहे मेरे गुरु जी। आप मिल ही गए, आप सच्चे दिल से जा देख ले। हम लोग जा रहे थे, हमें लगा कि शायद नहीं है ये फोटो, अब बुला भी लीजिए। सो प्रियजनों, मेरे प्यारे दोस्तों, जितने भी सारे व्यूवर्स हैं, आज आपको आशीर्वाद मिल रहा है नीब करोली बाबा जी का। और मैं यहाँ पे एक पंडित जी से आपको मिलाने जा रही हूँ जो कि बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही अनोखे।
उन्होंने कहा कि हम नीप करोरी बाबा जाने वाले हैं। आशीर्वाद तो सभी का जरूरी चाहिए। हमें देखकर बहुत अच्छा लगा कि बाबा नीम करोल के नजर चुपक हैं और बैठ करके दोनों बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। बहुत अच्छा लगा। हमने पूछा कि भाई आप कहाँ से, तो बताए हम मुंबई से ही है और हनुमान हरीम करोल बाबा के चाहे भक्त हैं, अभी उनको जाना है इनके धाम पे। हाँ जी, बड़ी कृपा है, बाबा की कृपा है तो पहुँच जाएंगे इनके धाम पर, उनका आशीर्वाद। बस आप जैसे संतों का आशीर्वाद रहे तो जीवन में तरक्की तरक्की है। बस भगवान की कृपा है और गुरु महाराज का आशीर्वाद है तो आप बाबा नीम करोल के आवास में पहुँचेंगे और उनका आशीर्वाद आपके सदैव रहे। चलिए शुक्रिया। सो चलिए आज पंडित जी के यहाँ पे थोड़ी सी चाय पी जाए, जो कि अहोभाग्य की हमें नसीब हो रही है पंडित जी के यहाँ पे चाय पीना। बहुत ही भागों वाले हैं शायद हम। बच्चे भी आ रहे हैं। बहुत ही बढ़िया। जब खाना लिखा होता है तभी आते हैं, है ना? बच्चों को तो सब चलता है। तुम तो बंदर की तरह फटाफट कर गए हो, निकल लिए। आज देखो डाल ले ना। क्या नहीं डालना ही नहीं मुझे। चलिए ठीक है पंडित जी, अरे जल्दी आते हैं। है ना, ये देख है ना, खुश रहो दीदी, आप कैसे पूरा है फोटो खींच रहे दीदी, आप उधर देखो। अरे सॉरी, ये भक्ति अब तक की मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन एक्सपीरियंस, बाबा के मिलने के बाद सब बढ़िया ही बढ़िया। मेरी जान बसती है इनमें, ये जो अभी लास्ट में आपने देखे ना, जिन्हें हम ट्रांसजेंडर कहते हैं, मेरी जान बसती है इनमें, बहुत प्यारे लगते हैं मुझे। तो देखिए ये है मुख्य द्वार। अभी किधर चल दिए? ऊपर से मिलेगा ना प्रसाद? नहीं ऊपर नहीं आना। अरे मुझे सफ़ेद फूल चाहिए, उनको सफ़ेद फूल ही चढ़ाना है। अरे ऐसे नहीं, वो अलग से एक सफ़ेद देखते हैं ना, ऊपर नहीं होगा तो वापस आऊँगी लेने। पान का बीड़ा भी चढ़ा सकते थे। चलो कोई नहीं, सुबह हम जा रहे हैं बाबा के द्वार, भोलेनाथ के द्वार, मेरे प्यारे शिव के द्वार। ये पहली बार है, हम 2019 से आ रहे हैं पर ये पहली बार जा रहे हैं हम बाबा के यहाँ। देखिए ये होता है ना, जब भगवान आपको बुलाएंगे तभी आप जाने वाले होंगे। आओ जल्दी आओ, हे प्रभु। हाँ जल्दी आ। बेहतरीन बेहतरीन। हाँ हाँ हाँ, सुपर। अरे चढ़ाने के लिए फूल नहीं ना, सफ़ेद फूल से जाना पड़ेगा। हाँ सफेद है। हाँ है ना। अरे हाँ ये तो चाहिए, एक सफ़ेद फूल ले सकते हैं। सो अभी आपको दर्शन कराने जा रही हूँ भोलेनाथ के। देखिए महाप्रभु है, महाप्रभु देवादिदेव महादेव, मेरे सारे सब्सक्राइबर पे अपनी कृपा दृष्टि देना प्रभु, मेहर कीजिए, अपनी अपनी नज़र हम पे बनाए प्रभु, मेहर कीजिए मेहर कीजिए। ये है प्रभु विष्णु, ये है गरुड़। इनके दर्शन बहुत ही रेयर हैं क्योंकि इनकी प्रतिमा हर जगह होती नहीं। सो गाइस भैरव जी के भी दर्शन हो गए, देखिए अप्रतिम। सो गाइस अभी हम लोग आए हैं, वो कुछ तो नाश्ता पानी करेंगे और फिर यहाँ से चलेंगे क्योंकि थके नहीं है, मतलब एनर्जी भरपूर है, अभी भी दिल कर रहा है और 10 चक्कर लगवा दो भगवान के, मज़ेदार है। सो
सो सब अभी लाइन में बैठे हैं, डैडी जी का खाना आ चुका है, जैनेट का मुंह फूला हुआ है कि मुझे कुछ दो, और आहान देखो अपने लेके कोल्ड ड्रिंक बैठा है, एंड एवरीवन इज एंजॉयिंग राइट नाउ, मज़ेदार, बहुत बढ़िया। वहाँ से जाके देखो क्या दिखा रहे हैं, क्या चाहिए बताओ, ये बिल्ली पर, ये बिल्ली पर ना जाए, काटेगी ना। सो आए हैं जैनेट को कुछ ना कुछ लेके देने के लिए। जय सियाराम, जय जय सियाराम। अभी देखिए हम लोग घर पे पहुंच चुके हैं, और घर पे आके भी मैंने दिया बाती कर ली, हम लोग नहा चुके हैं, और नहा धो के एकदम फ्रेश होने के बाद अब पता चला है कि हमारे किसी तो अभी जस्ट पता चला, अभी उन्होंने बताया रास्ते में, एक्चुअली में कॉल आ गया था, तो कोई तो कुरियर आया है, किसी ना किसी सब्सक्राइबर ने ही भेजा, जैसे को भेजते रहते पर हम यूजली नहीं बताते, पर चलिए आज कुछ आया तो देख लेते हैं क्या चीज है, नाम आपको नहीं दिखा सकते, नाम नहीं दिखा सकते, ऐसा क्यों, किसी ने लगता है पहले से खोला हुआ है, अरे हो जाता है कोई आधा उन्नीस सिक्के से मार ले तो नहीं, हमारा नहीं है ये रहा, खुला हुआ है, कुछ गिफ्ट आता रहता बीच बीच में, देखते हैं सरप्राइज पे ब्रेक करते हैं, अरे वाह वाह, वेरी नाइस डफल बैग, डफल बैग भेजा रहे हो किसी ने, वैसे भी मैं घूमने भी जाना था, बहुत सारे डफल बैग है एक्चुअली, मैं एक्चुअली सोच भी रहा था कि एक मतलब ट्रैवलिंग के लिए एक बैग होना चाहिए जिसमें अपना जैसे मैं, हाँ अरे OMG मैं ये सोच रहा था ना ये खोलेंगे, अरे वाह वाओ, ये क्या है भाई, तो मेरा भी ध्यान रखा गया है और जैसिका का भी ध्यान रखा गया है, अरे वाह ग्रेट यार, अरे ये सब क्या, ये वो है, अरे मुझे चाहिए था, मेरा खराब हो गया ना, मिल ही नहीं रहा, कितनी अच्छी अच्छी चीजें आई है, जैनेट आहान को ही बुलाते हैं, दे विल बी वेरी हैप्पी, सो यहाँ पे एक कार्ड भी है, तो ये मैं अभी आपको कभी और रिवील करूँगी, सो गाइज थैंक यू सो मच इतने ब्यूटीफुल गिफ्ट के लिए, थैंक यू वंस अगेन। बिनी ले आई है नारियल, ऊपर से नारियल गिरा निकाला और चाट चाट के खा रही है, बताओ हैं कुरेदने दो, अच्छा है हाँ बंद तो कर दो शीशा। सो गाइज देखिए माता जी के यहाँ से मुझे गजरा मिला था तो मैंने लगा लिया, अच्छा लग रहा है, आज का दिन बहुत ही प्यारा था, बहुत 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 मज़ा आया, इतनी मतलब आनंद की प्राप्ति हुई कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती, बहुत मज़ेदार दिन था आज मेरा, मेरी लाइफ का सबसे खूबसूरत दिन था आज, इतना मज़ा आया, बस अब बैठे हैं तो वो एसी चल रहा है, ये शीशा खुल के चलेगा, चलो देखते हैं। सो दोस्तों अब प्रॉपर हो रही है रात और आहान सो गया है, जैनेट अभी कुछ ना कुछ लगी है ड्रॉ करने के लिए, एंड बस अभी रात हो गई, आज का दिन बहुत ही उम्दा था जैसे कि आपने देखा, सॉरी लंबा वीडियो था लेकिन हाँ उसमें मैं कटिंग नहीं ज़्यादा कर पाई, बहुत ज़्यादा लंबा था, 45-50 मिनट का व्लॉग था जिसको मैं समेट के इतना लेके, बट हाँ व्लॉग बहुत प्यारा था, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा, और बस आज के लिए आपसे इजाज़त मांग रही हूँ, आपसे मिलूंगी कल इन माय न्यू व्लॉग, टिल दैट टाइम डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड शेयर, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने हैं तो दिल में है कहीं नहीं जाएंगे, लव यू ऑल, सी यू टुमॉरो, बाय।